गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित बीबीआई महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण बीबीआई प्रश्नों का सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? जी हाँ, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर होगा फ्रेंड्स राज्यसभा, एक का ए हो जाएगा। दो नंबर है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। यानी दो का बी बिल्कुल सही उत्तर है। तीन का उत्तर है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है, जी हाँ, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो 250 हो सकती है, यानी तीन का सी। चार नंबर है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? जी हाँ, सदस्यों की प्रभावी संख्या वर्तमान में है 245। पाँचवा सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वह कुल मनोनीत किए गए व्यक्तियों की संख्या 12 होती है, यानी पाँच की सी। यह 41वीं बीपीएससी परीक्षा में यह पूछी गई थी और 2005 में पूछी गई थी, 1996 में भी पूछा गया सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 12। छः नंबर है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का? जी हाँ, उपयुक्त दोनों का। ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का होता है और संघ शासित क्षेत्रों का। सेवन नंबर देखेंगे कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, जी हाँ, सेवन का ए। एट नंबर है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, जी हाँ, ध्यान देंगे एट का डी। नाइन नंबर है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो उसका निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी नाइन का ए। टेन नंबर है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो टेन का हो जाएगा बी, किस बात पर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। ग्यारह नंबर है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की पूछा जा रहा है? तो अभी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश, 11 का डी। 12 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखेंगे कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो वहाँ पे 31 यानी 31। 12 का सी। 13 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? जी हाँ, 13 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, उपयुक्त सभी, यानी 13 का डी हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? 14 का आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली एंड पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, यानी 14 का ए। 15 है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो प्राप्त है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 16 नंबर, बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो कुल निर्वाचित होते हैं तो हो जाएगा फ्रेंड्स 16, यानी 16 का बी आंसर 16 होगा। 17 नंबर है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है?
और वही क्रम पूछा जा रहा है प्रतिनिधित्व के आधार पर। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखेंगे और वही क्रम पूछा जा रहा है। तो पहला होगा उत्तर प्रदेश, तब होगा महाराष्ट्र, तब होगा तमिलनाडु, 17 का ए। 18 नंबर है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है? आयु संबंधी अर्हता होती है कि 30 वर्ष से कम न हो, आयु जो है 30 वर्ष से कम न हो, यही राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता होता है। 19 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 19 का सी 30 वर्ष। 20 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये 20 प्रश्नों को मैंने देखा। 21 नंबर में है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, याद रखेंगे। 22 नंबर है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो फ्रेंड्स होते हैं 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, 22 का ए। 23 नंबर है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो 23 का फ्रेंड्स हो जाएगा बी, नहीं कर सकता है। 24 नंबर है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो फ्रेंड्स इसका भी उत्तर होगा नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, 24 का बी। 25 नंबर है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सवाल को एक बार पुनः सुनेंगे, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके एक तिहाई सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, 25 का बी। ये था फ्रेंड्स भारतीय राजव्यवस्था के राज्यसभा से संबंधित VBI प्रश्नों का सीरीज। 25 प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष लाया, मुझे आशा पूर्ण विश्वास है कि इससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे, आपका सामान्य ज्ञान इससे मजबूत होगा और आगामी होने वाले BPSC परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।